नमस्कार दोस्तों, मोर इन्फो बाई मनोज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूनिवर्सल स्टूडियो हॉलीवुड के बारे में बात करेंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का सबसे बड़ा शहर है लॉस एंजल्स, और अमेरिका का यह दूसरा सबसे बड़ा शहर है जिसे आम बोलचाल की भाषा में एले कहा जाता है। अमेरिका का प्रसिद्ध फिल्म उद्योग हॉलीवुड भी इसी शहर में स्थित है, जिसने दुनिया को अनेक सुपरहिट फिल्में दी हैं। दोस्तों, अभी तक उपयोग में लाए जाने वाला दुनिया के सबसे पुराने स्टूडियोज़ में से एक यूनिवर्सल स्टूडियो हॉलीवुड भी इसी शहर में स्थित है। सन 1914 में इस स्टूडियो की स्थापना हुई थी तथा 1964 में इसे एक थीम पार्क के रूप में विकसित किया गया था। यह एक फिल्म स्टूडियो तथा थीम पार्क है। यह स्टूडियो विजिटर्स के लिए सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक तथा शनिवार व रविवार को प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक ओपन रहता है। दोस्तों, यूनिवर्सल स्टूडियो छोटी सी पहाड़ी क्षेत्र पर बना है तथा मुख्य रूप से इसके दो तल हैं, ऊपरी तल तथा निचला तल। दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दोनों ही तल अनेक एस्केलेटर के माध्यम से आपस में अच्छी प्रकार से जुड़े हुए हैं। ऊपरी तल पर सबसे बड़ा थीम क्षेत्र है हैरी पॉटर विजार्डिंग वर्ल्ड। इसकी शुरुआत सन 2016 में हुई थी, जिसमें एनिमेट्रोनिक तथा स्क्रीन आधारित थ्रिल राइड हैं। यहाँ डिजिटल लॉकर में अपना सामान रखकर अंदर प्रवेश करना होता है। अंदर हैरी पॉटर की कहानी बड़े ही जीवंत रूप में दर्शाई गई है। हैरी पॉटर लवर्स को यह बहुत पसंद आती है। अंदर ही सोवेनियर शॉप है, जहां से आप स्मृति के रूप में कुछ वस्तुएं खरीद सकते हैं। स्टूडियो के निचले तल पर बहुत लोकप्रिय जुरासिक वर्ल्ड द राइड है। यहाँ पानी में चलती हुई एक ट्रॉली में बैठा कर 3D प्रेजेंटेशन के माध्यम से डायनासोर तथा उसके समकालीन जानवर दिखाए गए हैं। 84 फुट की ऊंचाई से पानी में छपाक आकर राइड पूरी हो जाती है। स्टूडियो के निचले तल पर ही ट्रांसफॉर्मर्स द राइड 3D दर्शकों को बेहद पसंद आती है, जिसमें 4K 3D स्क्रीन, लेजर लाइट्स तथा फ्लाइट सिम्युलेटर के माध्यम से शानदार अनुभव होता है। इन सब के अतिरिक्त स्टूडियो में अनेक छोटे बड़े थीम तथा लाइव शो भी दिखाए जाते हैं, जिन्हें आप अपनी रुचि तथा समय के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में ट्रामनुमा बस राइड अवश्य कीजिए। यह लगभग 1 घंटे की होती है। इसमें ड्राइवर के साथ एक गाइड भी होता है, जो पूरे स्टूडियो की जानकारी आपको बस में बैठे बिठाए देता रहता है। इस राइड में फिल्म मेकिंग की प्रक्रिया, फिल्मों के अनेक सेट, बारिश का दृश्य, अचानक आई बाढ़ का दृश्य, दुर्घटनाग्रस्त हुए हवाई जहाज में लगी आग का दृश्य, कृत्रिम व्हेल मछली का दृश्य तथा कुछ शानदार लाइव शो भी दिखाए जाते हैं। बिना इस बस टूर के यूनिवर्सल स्टूडियो की ट्रिप अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, स्टूडियो के अंदर आउटसाइड फूड की इजाज़त नहीं है। हाँ, आप पानी की बोतल ले जा सकते हैं। पूरे स्टूडियो में अनेक स्थानों पर खाने पीने की सुंदर व्यवस्था है। स्टूडियो में मुफ्त पेयजल के लिए डिस्पेंसर भी लगे हुए हैं तथा दर्शकों के लिए साफ सुथरे रेस्टरूम भी अनेक स्थानों पर बने हुए हैं। अगर पैदल आप कम चलना चाहते हैं तो एक्सप्रेस पार्किंग की व्यवस्था भी है। पार्किंग की यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ भीड़ अधिक रहती है, अतः टिकट ऑनलाइन बुक कराकर जाना बेहतर रहता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।